और रामनगर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर रामनगर वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मदन जोशी ने बताया कि वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने कहा कि बीजेपी नगर अध्यक्ष की शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप देख रहे हैं रामनगर पे जो भय का माहौल है, पब्लिक डरी हुई है, गरीब जनता डरी हुई है, तो इसका मुख्य कारण है रामनगर वन प्रभाग में जो लगातार नोटिस बांटे, और वो नोटिस में आप देख रहे होंगे ना पत्रांक है, ना किसी अधिकारी के साइन है, और बिना सक्षम अधिकारी को संज्ञान में लिए ये नोटिस बांटे गए हैं। इस फर्जी नोटिस को लेकर आज हम कोतवाली में हमने इनके खिलाफ तहरीर दी है और मांग करी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। और गिरजा मंदिर के खिलाफ जिन लोगों ने यहाँ पर फेसबुक में या उसमें डाला है, नोटिस की बात कही है, और आंदोलन के नाम पे जिन्होंने चंदा वसूली की बात माइक से कही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोतवाली में उचित कार्रवाई के लिए यहाँ पर कार्रवाई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। आज भारतीय जनता पार्टी रामनगर नगर मंडल इस मांग को लेकर रामनगर कोतवाली पहुँचा है। नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता आए थे, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि जो वन प्रभाग द्वारा जो बगैर पत्रांक के और बगैर सिग्नेचर के कुछ नोटिस सर्व किए गए हैं जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ, तो तथा एक गिरजा मंदिर को तोड़ने के लिए के भी अफवाह फैलाई गई है, ऐसा उनके द्वारा तहरीर में वर्णित किया गया है। हमारे द्वारा तहरीर उनसे ले ली गई है और जांच के बाद हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी।